साथियों का हम स्वागत करते हैं इस कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में डेमोक्रेसी का कत्ल और डेमोक्रेसी को रूंधने पे तुली हुई है। हमने आज तक आज़ादी के 77 साल में ऐसा जो सिस्टम है बीजेपी का, जो बीजेपी ने एक तानाशाही का दौर चलाया हुआ है, वो हमने कभी नहीं देखा। आप प्रेस वालों ने भी नहीं कभी देखा। कांग्रेस पार्टी अलायंस के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन, और कसूर क्या था कि एक महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपये है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है इस मुल्क में हमारे। तो आज हम यही बात बताने वाले थे। कल हमारे सीनियर लीडर सोनिया गांधी जी ने, हमारे AICC प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने भी इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 14 लाख रुपए जो डोनेशन है हमारे एमपीज का, जो पैसा एमपीज की सैलरी से हमें पैसा जमा हुआ, हमने एक मास डोनेशन प्रोग्राम चलाया कांग्रेस पार्टी का, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1300 रुपये, किसी ने 13,000 रुपये पार्टी को दिया, और यही वही सारा पैसा था जो हमने मास डोनेशन से जो है जमा किया था। तो इस सारे पैसे पे जो है को है सीज कर दिया गया। अब फार्म भरने का टाइम 27 को फर्स्ट फेज का है, उसके बाद कंटिन्यूअसली फार्म भरने का टाइम है। तो ये बात आया हो रही है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया है मोदी सरकार ने। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कोर्ट्स में चली गई, हमें कोर्ट्स पे बड़ा भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी, और हमने भी राज किया, सबसे ज्यादा राज हमने किया, लेकिन ऐसा ऐसी डिक्टेटरशिप कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चलाई। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस पे कोई ना कोई नजर दी जाए और हमारा जो पैसा है वो रिलीज किया जाए। दूसरा ये है कि आपने देखा इलेक्टोरियल बॉन्ड स्कैम आ गया, आप भी देखना, आपने सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला एक बहुत बड़ा घोटाला जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है बीजेपी ने लूटा है लोगों से और उन कंपनियों से, डोनेशन वाली वो कंपनियां हैं
जिनके ऊपर शाम को ईडी का रेड डाला गया और सुबह पैसा वसूल किया गया। तभी तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इनको तो सीधे अब क्या लोग नाम देते हैं, वसूली भाई, जैसे माफिया लोग वसूली करते थे, किडनैपिंग करते थे और बाद में पैसा लेते थे, ऐसे ही ये रात को आईबी का रेट, सीबीआई का रेट, ईडी का रेड और सुबह 5 की वसूली।